रहता है। एक ज्ञानी भगवान के दरबार में भी था जब वो मथुराधीश हो गए, उनका नाम था उद्धव जी। वो बहुत ज्ञान देते थे, भगवान को समझ में नहीं आया। भगवान ने कहा इसका ज्ञान कैसे निपटाऊं। उन्होंने कहा आप तो निराकार समझाते हो, निर्गुण समझाते हो, जरा एक काम करो, वो ये यमुना जी पार कुछ गोपिकाएं हैं, वो मेरे बारे में बड़ी चिंतित हैं, मुझे बड़ा याद करती हैं, आप जरा उन्हें ज्ञान सिखाई आओ। उद्धव ज्ञान देने गए और लौटे तो ऐसे लौटे थे यूं करके डोल डोल होते। रत्नाकर जी ने लिखा है आए लौट लज्जित नवाए नैन ऊधो, अब सब सुख साधन को सूधो सो जतन ले, प्रेम मग छाके पग पड़त जहां के तहां, ज्ञान गुदड़ी में अनुराग को रतन ले। तो मैं आपको दो छंद सुनाता हूं। जब उद्धव आए हैं तो दो छंद रत्नाकर के सुनिए। जब मैं पढ़ता था एमए में तो मुझे पूरा शतक याद था, आज भी मुझे 30-40 छंद तो याद होंगे, लेकिन दो छंद विशेष रूप से सुनाता हूं। और कैसे उद्धव का प्रवेश हुआ है और कैसी उपमाएं रत्नाकर ने प्रयुक्त की हैं भगवान कृष्ण को। सर आप सुनिए, उर्दू के आप बड़े विद्वान हैं और हिंदी का मैं छोटा विद्यार्थी हूं, मैं अपने घराने की चार पंक्तियां आपको सुनाता हूं। कहते हैं उद्धव आए तो उनसे बात करती है गोपिका, और कैसे कहती कि आए हो सिखावन को जोग मथुरा से तोपे, ऊधो जे वियोग के वचन बतरावो ना। योग सिखाने आए हो, वियोग की बात मत करो। कि आए हो सिखावन को जोग मथुरा से तोपे, ऊधो जे वियोग के वचन बतरावो ना। ओ कहे रत्नाकर दया कर दरस दीनी, दुख दरिवे को तो पे अधिक बढ़ावो ना। के चूक चूक वैया मन मुकुर हमारो हाय, चूकी हूं कठोर बैन पाहन चलावो ना। और अगली पंक्ति पर हाथ उठे, एक दिल का शीशा था इसमें एक कृष्ण बसा था तो हमारी जिंदगी तबाह हो गई। आपको पता है अगर शीशा टूट जाए तो उतने ही प्रतिबिंब बनते हैं। इसको क्या अद्भुत तरीके से बात कहा है। तीन संगम, स्वामी हरिदास का मंच, भगवान श्री कृष्ण का वर्णन और रत्नाकर की ब्रजभाषा। कि आए हो सिखावन को जोग मथुरा से तोपे, ऊधो जे वियोग के वचन बतरावो ना। ओ कहे रत्नाकर दया कर दरस दीनी, दुख दरिवे को तोपे अधिक बढ़ाओ ना। के चूक चूक वन्य मन मुकुर हमारो हाय, चूकी हूं कठोर बैन पाहन चलावो ना। और एक मन मोहन तो बस के उजारो माह, ही मैं अनेक मन मोहन बसावो ना। अब उनकी चिट्ठी लेकर आए हैं और ये खबर पहुंची बहुत दिन बाद कि कृष्ण की चिट्ठी आई है, तो इस ब्रज भूमि में क्या उत्सव मचा। याद आगे देखो के भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गामन में जामन जबे लगी। और वो जो दिल्ली में बैठते हैं ना इंडिया हैबिटेट सेंटर में, वेल यू नो कुमार द क्राइसिस डेवलप्ड हैज टू बी एड्रेस्ड, उनको पता चलना चाहिए कि अंग्रेजी कितने बोलो हैं हम देसी ब्रज वाले ही। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावन में जावन जबे लगी। और कहे रत्नाकर ग्वालिन की झोरी झोरी, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबे लगी। जरा झूमके सुनिए। कहे रत्नाकर ग्वालिन की झोरी झोरी, दौरी दौरी नंद पौरी आवन सब। अब भीड़ लग गई, बीच में खाट पर उद्धव बैठे, चारों तरफ गोपिकाएं, तो दिखे कैसे। उझकी उझकी पद कंजनी के पंजनी पे, पेख पेख पाती छाती छोहनी छबे लगी। और अगली पंक्ति में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का चमत्कार पैदा हो के उझकी उझकी पद कंजनी के पंजनी पे, पेख पेख पाती छाती छोहनी छबे लगी। ओ हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा केहन सबे लगी। बलवा के बिहारी लाल की।